आज के मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, दिख रहा है सत्ता और कुर्सी का लालच उन्हें कहां तक ले गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा, 18 साल तक उन्होंने पार्टी की सेवा की। 18 साल अलका लांबा जैसे समर्पित कांग्रेस में बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनने 20-20 साल दो दो दशकों तक कांग्रेस का झंडा उठाया और कभी उन्हें कुछ नहीं मिला उस तरीके से जो उनका हक था, क्योंकि मारा गया आप द्वारा, आप जैसे नेताओं द्वारा जो आज इस्तीफा दे रहे हैं। क्या नहीं मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को? आते ही पिताजी का संघर्ष था, उनके साथ काम किया था हमने, तब तो हमें मालूम नहीं था ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां है। हम झंडे उठा रहे थे, हम दरिया बिछा रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आते ही लाड साहब को लोकसभा की टिकट मिल गई, सहानुभूति की लहर में जीते, घमंड आ गया, दूसरी बार जीते 2004 में, सीधा केंद्रीय मंत्री बन गए 2004 के बाद, फिर 2008 में चुनाव आया, फिर लोकसभा टिकट मिली, फिर मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद अब उनको प्रदेश अध्यक्ष भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए, अब उनसे छटपटा है। वो ये ना राजा बिना बिना मुकुट के कैसे रह सकता, बिना ताज के कैसे रह सकता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं है। मध्य प्रदेश का एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको कहूंगी, बिल्कुल निराश मत होइएगा, ये बेनकाब हुए हैं, ये बेनकाब हुए हैं, अपनी सोच अपनी विचारधारा से समझौता किया है, मजबूती से उठिएगा। नेता गए हैं, कार्यकर्ताओं से कहूंगी ये नेता आपके दम पर है, आप इन नेताओं के दम पर कतई भी नहीं, और आपके दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी है और उसका संगठन है, जिसे उठाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने सभी को लेनी होगी। मैंने अभी एक ट्वीट भी किया है, जब मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिली थी, मैंने मैडम को कहा कि मैं वापस अपने घर आना चाहती हूं, क्योंकि मैं जब दो दशकों के बाद पार्टी से गई थी, एक आंदोलन में गई थी, एक विचारधारा को हराने वाराणसी तक गई थी, लेकिन जब उस पार्टी ने देखा कि भाजपा से समझौते करने शुरू कर दिए हैं, वो भाजपा की बी टीम बन चुकी है, राजीव जी के भारत रत्न को वापस लिए जाने का प्रस्ताव का अलका लांबा ने पुरजोर विरोध विधानसभा के पटल पर किया था। मुझे खुशी है सोनिया गांधी जी ने इस बात को जब कहा मुझे मिली कि तुमने कांग्रेस छोड़ी जरूर थी, लेकिन तुम कांग्रेस को अंदर से नहीं छोड़ पाई। और यही था कि राजीव जी के भारत रत्न को लेकर जब बात उठी और उसी पार्टी की विचारधारा जो बीजेपी को समर्थन कर रही थी, मैं अपने घर वापस लौटी। लालच होता, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2019 के चुनाव में गुजरात के संघ के बड़े नेता मेरे घर तक पहुंच चुके थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी छोड़ रही है तो भाजपा में आ जाइए, और लोकसभा की दिल्ली से टिकट का भी वायदा किया, लेकिन एक ही बात कही थी, मैं दो दशकों तक कांग्रेस में रही हूं, एक गांधीवादी विचारधारा से रही हूं, उस समय भी पार्टी जब छोड़ी थी भाजपा में जा सकती थी, लेकिन नहीं, रामलीला मैदान गई थी। आज भी जब आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बनते हुए देख रही हूं, तो उस समय भी भाजपा में नहीं, किसी और दूसरे दल में नहीं, अपनी कांग्रेस, अपनी विचारधारा, अपने घर वापस लौटना मैंने पसंद किया। तो जो लोग ये कहते कि मैडम पार्टी तो आपने भी छोड़ी थी, अलका लांबा के पार्टी छोड़ने और घर वापस आने में और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़ने में, अपने लालच में, देखा मध्य प्रदेश में एक स्थिर कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम, घर का भेदी लंका ढाए, वो काम आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ जाएंगे जिन्हें लालच है सत्ता का, 2004 से 2014 तक जो सत्ता में रहे, सत्ता सुख भोगा, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े बंगलों में रहे, गाड़ी ऐश कमाई सब किया उन्होंने, आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है वो छटपटा रहे हैं। अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़कर मैडम जाते हैं तो सोनिया जी आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों का जो लालची है सत्ता के, उन्हें चले जाना में ही पार्टी और संगठन की बेहतरी होगी। तो एक डर कि नेता चले जाएंगे, नेता जा रहे हैं, अभी ताजा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया का चला गया, परवाह मत करिएगा, क्योंकि वो अपने लालच में गए हैं, वो अपने लालच में गया, दम थे तो अपनी पार्टी बनाते, अपने संघर्ष को आगे लेकर जाते, निर्दलीय चुनाव लड़के जीतते, कांग्रेस ने टिकट दी उसके बाद हारते हैं, आप देख रहे हैं। सो मैं वही कह रही हूं कि पार्टी के नेता छोड़कर गए या जाएंगे उनकी परवाह मत करिए, ये वो बड़े नेता हैं जिन्होंने सत्ता सुख भोजा है और अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है सत्ता के बिना संघर्ष सड़कों पर करके कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। तो पहला ये डर हमें निकालना होगा, जाने वाले जाते हैं, जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। दूसरी बात, आपका कहना है कि पार्टी के नेता जाएंगे तो संगठन कमजोर होगा, संगठन पहले से ही इनके रहते हुए कमजोर हुआ है,
इनके रहते हुए कमजोर हुआ है। इन्हीं लोगों ने जब सत्ता में थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कभी परवाह ही नहीं करी, उनका सुख उनका दुख उनके उनके घर की रोजी रोटी कैसे चल रही है, इन नेताओं ने अपने चमचों के गिर्द रखते हुए कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता पे कभी ध्यान नहीं दिया। और बिल्कुल परवाह मत करिए इन नेताओं की जो सिर्फ सत्ता और कुर्सी और बिना ताज के जिन्हें रहने की आदत नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी सत्ता में रही इसलिए इन्हें अब आदत होगी ऐशो और आराम करने की। लेकिन आज कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए जमीन पर संघर्ष करने की जरूरत है, एक बार फिर पीठ पे लाठियां खाने की जरूरत है, जेल जाने की जरूरत है, तब देश के जो मुद्दे बेरोजगारी, किसान बेटियों की के साथ आए दिन होते हुए बलात्कार, गिरती अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन सब से कांग्रेस लड़कर इसे आगे ले जा पाएगी। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ये सब चीजों से बेनकाब हो रहे हैं। अभी हो सकता है बहुत से नेता लोग कह रहे हैं आप घमंड में ये बात कर रहे हैं कि जा रहे हैं तो जाएं। भाई साहब ये बड़े बड़े नेता हैं, इन्हें सत्ता सुख की आदत पड़ गई थी, ये संघर्ष नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन जैसे नेताओं का अब जाना बेहद जरूरी है। अलका लांबा और अलका लांबा जैसे कार्यकर्ता जब तक कांग्रेस में थे इन्हीं नेताओं की वजह से कभी विधायक बन पाए नहीं, कभी सांसद बन पाए नहीं, कभी पार्षद तक बन पाए नहीं, बन पाए कभी नहीं बन पाए। अलका लांबा गई थी संघर्ष करने और एक साल संघर्ष के बाद जब टिकट मिली विधायक बनी, तो जब छोड़कर आई थी ना, सत्ता छोड़कर आई हूं विधायक थी, कांग्रेस में आई जीरो, कांग्रेस में आई संघर्ष करने आई, वापस उस कांग्रेस को देश के लिए जिंदा करने आई, ताकि ये कांग्रेस जब जिंदा होगी तो इस जहरीली नफरत वाली देश को बांटने वाली विचारधारा से लड़ पाएगी, इसलिए वापस आई हूं। और आज की तारीख में मैं कांग्रेस की, मैंने सदस्यता ली है तो एक कांग्रेस की प्राथमिक प्राइमरी मेंबर, सदस्य के अलावा कुछ नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं एक कार्यकर्ता रहते हुए मुझे सिर्फ आप काम दीजिए, बोलिए कहां जाना है, बिहार का चुनाव है, अलका लांबा बिहार जाकर जमीन पर अपने जमीन के कांग्रेस के बिहार के कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए तैयार है। अगर बंगाल भेजना है अलका लांबा बंगाल जाएगी, असम भेजना है अलका लांबा जैसे समर्पित कार्यकर्ता, हमें पद नहीं चाहिए, हमें कोई मंत्री विधायक सांसद की टिकटें भी नहीं चाहिए। चांदी चौक में जब मैं वापस विधायक थी, सिटिंग विधायक थी, छोड़कर सत्ता को वापस आई, तो लोगों ने कहा आप टिकट छोड़ दीजिए, मैं तो तैयार थी, पर दो लोगों ने ही चांदी चौक से नामांकन कांग्रेस में किया था, एक अलका लांबा मैंने किया था और दूसरा वही से पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने, दो लोगों ने नामांकन किया था, तीसरा कोई नहीं था। मुझे खुशी होती अगर कोई जमीनी कार्यकर्ता जो 20-30 सालों से संघर्ष कर रहा होता चांदी चौक विधानसभा की टिकट कांग्रेस से मांगता, मुझे गर्व होता और मैं खुशी खुशी उस टिकट को छोड़ देती। लेकिन सोनिया गांधी जी के पास जब दो नाम गए, पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का टिकट और अलका लांबा, मुझे खुशी है कि सोनिया गांधी जी ने एक कांग्रेस की कार्यकर्ता जिसने संघर्ष किया है, जिसने विचारधारा से समझौता नहीं किया है, उसे टिकट देना मंजूर किया और मैंने वो चुनाव लड़ा और आज भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीते चुनाव हारे कांग्रेस के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए एक मजबूत, इस देश को मजबूत रखने का एकमात्र विकल्प है। प्रियंका गांधी जी के साथ आपको याद है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को महासचिव कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये सम्मान कितना बड़ा है, महासचिव बनाया गया, सांसद का टिकट दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से नीचे उन्हें मंजूर नहीं है। इन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था या नहीं बनाया गया था? क्या आपने प्रियंका गांधी जी की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश में दो साल बाद 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, प्रियंका गांधी जी ना सांसद है ना विधायक है ना केंद्रीय मंत्री, लेकिन संघर्ष कर रही हैं पार्टी के अंदर एक महासचिव के तौर पर, जमीनी तौर पर, सड़कों पर, किसानों पर, जो लोग पीड़ित शोषित बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी आपको लड़ते हुए दिखेंगे। और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको जिम्मेदारी दी गई थी यूपी उत्तर प्रदेश की 2000 साल चुनाव था, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल देखिएगा, क्या आपको वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए देश में कहीं संघर्ष करते हुए दिखे? नहीं, एक साल से छटपटाहट में थे कि चुनाव हार गए लोकसभा का, छटपटाहट थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, भी एक ही साल तो हुआ था, पेशेंस रखते
लेकिन नहीं, आपने गद्दारी की पूरी एक स्थिर सरकार को, लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को, आपने भाजपा के साथ मिलकर, बड़ी उस भाजपा विचारधारा के खिलाफ, आप कहते हो 18 साल कांग्रेस में आप रहे तो 18 साल कौन सी विचारधारा के साथ आप लड़ रहे थे? अलका लांबा और अलका लांबा जैसे कार्यकर्ता 20 साल से लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन समझौते नहीं किए अपने लालच में। आपने समझौता किया, 18 साल कांग्रेस में रहे तो इसी सोच इसी विचारधारा से लड़ रहे थे, जिसकी गोद में जाकर गिरे भी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किसकी गोद में जाकर गिरे? संघियों की गोद में, जिन्हें गाली निकाल रहे थे 18 साल तक, ये अपने लालच में गए। कहते कि मैं मध्य प्रदेश के लोगों की, देश की सेवा करना चाहता हूं। अरे सर पे ताज रहेगा क्या तभी सेवा कर पाएंगे? मंत्री पद, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, क्या तभी सेवा कर पाएंगे? यूं सेवा नहीं कर सकते क्या? आपका क्या कहना है कि हमारे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 20-25 सालों से हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करते हैं, वो संगठन देश की आवाज बनता है और लोगों के बीच में हर तरीके का काम करते हैं, तो क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे? ये सब ढकोसलेबाजी है। हरियाणा में भी एक प्रदेश अध्यक्ष चुनावों में ही, लोकसभा के चुनाव में इस्तीफा देकर चलते बने। 2004 में वो भी सांसद थे, 2008 में भी उनको टिकट मिली, 10 साल सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष उन्हें बनाया। मैं नाम नहीं लूंगी, गद्दार हैं वो लोग। मैं एनएसयू में जब थी तभी एनएसयू के अध्यक्ष हुए, मेरे बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, 2 बार सांसद रहे, 3री बार में बगावत कर दी। अरे इतनी अपनी जमीन थी तो अपने दम पर लड़ लेते चुनाव, हिम्मत नहीं हुई ना चुनाव लड़ने की आपकी। और आज यही गद्दार, आप ध्यान से देखिएगा, जो 2004 मुंबई का भी, नाम नहीं लूंगी मुंबई का, इनके पिताजी के सबके नाम ले चुकी हूं, जिनके साथ संघर्ष किया, दरिया बिछाई, झंडे उठाए, ये तब लोग, इनके जो लाड साहब है ना, ये कहीं ना कहीं कोई गिटार बजा रहा था, कोई विदेश में घूम रहा था, कोई राजा महाराजाओं वाली जिंदगियां जी रहा था, पिताजी ने के बाद तुरंत इनको टिकटें मिल गई और ये हमारे सर पर आकर बैठ गए, और हमें एक कार्यकर्ता के तौर पे कभी इन्होंने कोई इज्जत सम्मान नहीं दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ माधव सिंधिया जी का, राजेश पायलट जी का, जितेंद्र प्रसाद जी, मुरली देवरा जी, जिनके बेटे आज कोई हरियाणा का नेतृत्व चाहता है, कोई मुंबई का नेतृत्व चाहता है, कोई राज्य से, कोई मध्य प्रदेश का, इनके पिताजी के साथ काम किया है, इतना सम्मान देते थे मैं बता नहीं सकती हूँ। और उतना ही जमीन आसमान का फर्क इन लोगों में है, सत्ता कुर्सी उसके बिना एक मिनट इनसे रहना मुश्किल है। पसीना बहाते हुए दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पसीना बहाया, हर एक ही पसीना दिख रहा था आपको। वो जो कार्यकर्ता जब विपक्ष में थे, आंदोलन कर रहा था, लाठियां खाकर अपनी पीठ को लाल नीली कर रहा था, वो नहीं दिखा किसी को, वो नहीं दिखता। एक कार्यकर्ता की आवाज दूसरे कार्यकर्ता के लिए बुलंद रहेगी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस को एक बार फिर से संगठन को मजबूत करते हुए बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। निराश मत होइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता इन सब चीज़ों को देखकर हताश और निराश ना हो, इसलिए कहूंगी हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा को श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे ले जाते हुए, देश के ज्वलंत मुद्दों को आगे रखते हुए हम एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.